क्योंकि ये नीति नहीं है बिहारियों का नौकरी देने का। ये नीति जो नीतीश कुमार की है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहारी शिक्षक बने, वो नहीं चाहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक पहुंचे, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार शिक्षित हो, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार संभले, वो नहीं चाहते हो कि बिहार ऊपर जाए। इतिहास पढ़े तो सिर्फ आप टेंथ में विज्ञान का परीक्षा नहीं दिए थे, अरे याद कीजिए आप दिन, आपको भी कोई विज्ञान के गुरु जी पढ़ा करके 30 नंबर तो कम से कम लाए ही होंगे, तभी आप मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे। यूट्यूब पर भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक गुरु जी है जो कि आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। बिहारियों का हक है, बिहार पर बिहारियों का हक है, शिक्षक अभ्यर्थियों को इस पर जागना होगा। अगर आप नहीं जागे तो तेजस्वी होश में हो, होश में हो, होश में हो, तेजस्वी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए बिहार के सरकार के खिलाफ में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं लगभग एक सालों से। जिस प्रकार से बिहार सरकार का जो मंशा है बिहार को लेबर का कारखाना बनाने का, उस पर स्पष्ट जाहिर होता है कि बिहार लेबर राज्य बनने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गंजा पी करके सोकर उठते हैं और उनको याद नहीं रहता है कि मालूम नहीं रहता है कि याददाश्त उनका कमजोर हो गया है, आते हैं और प्रेस में तुरंत कुछ ना कुछ बयान देते हैं। आज डेमोसाइल नीति को हटाया है उन्होंने, विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि इसको वापस ले, अन्यथा आज आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना में जब अपनी आवाज को बुलंद करके जब शिक्षक अभ्यर्थी छात्र नौजवान जब पटना जाते हैं तो उनपे लाठीचार्ज करना ये कतई बर्दाश्त का चीज नहीं है। क्योंकि जब एक गरीब घर से लोग जाते हैं, जब मिडिल परिवार से जब जाते हैं और अपनी मांगों के अपनी हक की लड़ाई के लिए जब जाते हैं, वही नीतीश कुमार अपने हक के लिए चुनाव में कहते हैं कि हम बिहार में इतना विकास किया आप उनको वोट दीजिए, तब तो जनता उनको नहीं मारती है। लेकिन जब छात्र जब अपनी मांग को लेकर के जाते हैं कि हमारी मांग ये है, तो छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं और लाठीचार्ज इस प्रकार करते हैं कि लगता है कि उनकी मंशा एक ही है कि छात्रों का हत्या कर देना। इतना मारना कि किसी छात्र का दोनों पैर टूट गया हो, किसी छात्र का मुंह से ब्लड निकल रहा है, ऐसा ये माननीय नीतीश कुमार जी का न्याय है। और सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन की राज है, हमें लगता है कि कुशासन की राज है बिहार में। और जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियमावली में बार बार नियमावली चेंज करना, माननीय नीतीश जी एक भाई हमारे कह रहे थे कि 12 बार उन्होंने शपथ ग्रहण लगभग किया हो, 10-12 बार, और 10-12 बार शपथ ग्रहण के बाद 10-12 बार भी शिक्षक नियमावली का नियम चेंज किए, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बिहार में शिक्षक बहाली नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको मालूम है कि जिस दिन बिहार के लोग अगर शिक्षा अगर अच्छा से पालेंगे उस दिन से वो सत्ता में नहीं रहेंगे, उनका एक ही काम है जातिवाद करना, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लड़वाना, जाति धर्म में बांटना। माननीय नीतीश कुमार और लालू यादव जी का दोनों लोगों का यही काम है, चचा भतीजा आज मिल गए, मिल करके बिहार को बर्बाद करने पे है। वही तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो उन्होंने ट्वीट किया था कि हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, आज शिक्षक अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, कहां गए तेजस्वी यादव? जब तेजस्वी यादव को छात्र जब खोजने निकले तो पता चला कि तेजस्वी यादव विदेश जाकर के बैठे हुए हैं। आप लोग पता लगाइए, ये है बिहार का स्थिति। छोटू सिंह, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। विद्यार्थी परिषद जब से स्थापना काल से छात्र युवाओं के लिए हमेशा आगे आने का काम किया है, उसी प्रकार आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर जो मिसाइल नीति वापस लेने और शिक्षक नियमावली को एक स्पष्ट नियमावली के रूप में लाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह मांग है कि बिहार में जिस तरह से आपने घोषणा की 1,70,000 छात्रों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए आपने जो विज्ञापन प्रकाशन किया, उस विज्ञापन में आपने कहीं भी किसी भी तरह का एक प्रबुद्ध जो नियमावली होती है वो नियमावली ने आपने नहीं बनाया। अगर नियमावली आपने बनाया होता तो आप अभी प्रकाशन होते 15 दिन पहले प्रकाशन हुआ, 15 दिन प्रकाशन के
बाद भी अभी भी आप 8 से 10 बार अपने शिक्षक नियमावली में फेरबदल करते आ रहे हैं। इससे आम छात्रों को जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ये समझने में भली बात वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस प्रारूप के तरह तैयारी करें या किस प्रारूप के तरह फॉर्म भरें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये मांग है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी अगर जगेंगे नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का भी इतिहास रहा है। और इस डोमेसाइल नीति को अगर वापस नहीं लेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री आवास घेरा करने का भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करने का जा रहा है। चंदन तिवारी विश्वविद्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।